रतलाम, नीमच और मंदसौर, यहाँ पर माध्यम से और अन्य माध्यम से डोंडा चूरा और अफीम की तस्करी के बारे में आज यहाँ पर ध्यानाकर्षण आया है। और इस बारे में ये बात सही है कि अलग अलग तरीके से लोग तस्करी कर रहे हैं, लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है, अनेक लोगों को पकड़ा भी है, परंतु ये देखने में आया कि हम काफी बड़ी संख्या में मंदसौर, रतलाम और नीमच में एम्बुलेंस हैं, और इसलिए एम्बुलेंस जो वहाँ पर हैं उनकी कितनी उपयोगिता है, कितनी ज़रूरत है, हम इसकी जांच कराएंगे। और साथ में एम्बुलेंस के बारे में एक नीति बनाने के लिए गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग बैठकर एक नीति बनाएगा और ये नियम तय करेंगे कि एम्बुलेंस को जो भी परमिट दिया जाएगा वो किन शर्तों के अंतर्गत दिया जाएगा, एम्बुलेंस का वेरिफिकेशन वगैरह समय समय पे हो, इसका अन्य कोई उपयोग तो नहीं हो रहा है, और इसलिए इस तरह की समिति बनाने का निर्णय शासन ने लिया है। तीन जिलों के लिए अभी किया है, पर वो जो पॉलिसी होगी उसको फिर आगे देखेंगे कि पूरे प्रदेश में लागू करना है कि वहाँ पर।